हमारे एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन जी का वीडियो अभी सामने आया है पाकिस्तान से। वो चाय पीते हुए कह रहे हैं कि हमारे साथ कोई बहुत बदसलूकी नहीं हुई है, और जैसे हमारी भारतीय सेना हमको हमारे साथ ट्रीट करती है वैसा हमारे साथ ट्रीटमेंट किया गया है। पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारियों ने उनको भीड़ से बचाया है, भीड़ के हमले से बचाया है। साथियों, ये जो अभी भी हमारे न्यूज चैनल बिना बुनियाद के भौंके जा रहे हैं और युद्ध को जबरदस्ती देश पर थोपना चाह रहे हैं, उनकी एक बात तो गलत साबित हो गई। अगर सर्जिकल स्ट्राइक में 300 मिलिटेंट्स अगर पाकिस्तान में मारे गए होते तो हमारे जवान जो वहां गिरफ्तार हुए हैं वो इस तरह से सुरक्षित नहीं होते। दूसरी बात, पाकिस्तानी सेना का प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी मैंने देखा और उनके प्रधानमंत्री जी का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा। पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि हमने पट्टीदारी निभाते हुए, हमले का जवाब देते हुए, हमने भी हमले का जवाब भारत को दिया, और जिस प्रकार से भारत ने हमारे यहाँ कोई जन हानि नहीं की, कोई जान का नुकसान नहीं किया, उस तरह से हमने भी खाली जगहों पर बम गिरा करके केवल भारत को बताया है कि हम भी सक्षम हैं। फिर उसके बाद उसमें उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे बड़ा हिस्सा है, वो बड़ा हिस्सा ये कह रहा है कि वो युद्ध नहीं चाहते हैं। इमरान खान ने, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने तो एकदम से कह ही दिया है कि मोदी, नरेंद्र मोदी महज चुनाव के लिए युद्ध थोपना चाहते हैं, देश पर युद्ध का माहौल बनाना चाहते हैं। और मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि जब पाकिस्तान हर स्तर के इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलवामा अटैक के बाद तैयार है तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपके यहां से ट्वीट लीक होता है और इमरान खान के ट्वीट पर जाता है कि हमला होने वाला है, फिर उसके बाद आप हमारे सैनिकों को सर्जिकल स्ट्राइक की सूचना लीक होने के बाद उन सैनिकों को पाकिस्तान में क्यों भेज दिया जाता है। मुझे लगता है कि अभिनंदन जो आज जिंदा है विंग कमांडर, ये हमारी मीडिया को अच्छा नहीं लग रहा होगा। हमारी मीडिया को खून खराबा पसंद है, मोदी को खून खराबा पसंद है। इनको ये मना रहे होंगे कि हमारे जो स्क्वाड्रन लीडर वहां पकड़ा गया है उसकी गला रेत के हत्या कर दी जाए ताकि हम और चिल्ला सकें और भौंक सकें और देश का ध्यान असली मुद्दों से हटा सके। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आप लोग भी इंटरनेट पर सर्च करके पाकिस्तानी सेना का और वहां के प्रधानमंत्री का बयान सुनिए, हमारे जो विंग कमांडर अभिनंदन वहां पकड़े गए हैं उनका भी बयान सुनिए, और वो जो कह रहे हैं कि अब गेंद भारत के पाले में है, हमने उनके एक आदमी को पकड़ लिया है, गेंद भारत के पाले में है, भारत जैसा चाहेगा वैसा होगा, तो हम चाहते हैं कि पुलवामा अटैक का आप इन्वेस्टिगेशन कराइए, उसके बाद से कोई कदम उठाइए। सबसे पहले जरूरी है कि हमारे पकड़े गए आर्मी के जवान को भारत सुरक्षित लिया जाए और ये जो युद्ध खेलने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं इसको रोका जाए। हम जानते हैं चुनाव हैं, 4-4.5 साल मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया है, वो हर मोर्चे पर विफल रहे हैं, तमाम भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त हो गए हैं, अब कुछ बचा नहीं उनके पास, तो उन्होंने युद्ध का रास्ता लिया और ये जो फर्जी राष्ट्रवाद का दम्भ भरते हुए पूरे देश को युद्ध में, दोनों मुल्कों को युद्ध में ढकेलने का काम मीडिया कर रही है, ये बड़ी शर्म की बात है, बड़े शर्मनाक बात। हम अपने देश के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि प्लीज टीवी देखना बंद कर दीजिए। ये टीवी वाले आपको पागल बना देंगे, ये टीवी वाले आपको हिंसक बना रहे हैं, ये टीवी वाले गलत सूचनाएं दिखा करके, वीडियो गेम के वीडियो को फुटेज को दिखा करके, सर्जिकल स्ट्राइक बता करके आपको गुमराह कर रहे हैं। वाकई में दोनों देश आपस में युद्ध नहीं चाहते हैं, भटके हुए लोग हैं जो युद्ध की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी स्थिति तो ऐसी नहीं है। हमको अभी अपने देश में बेरोजगारी की समस्या से जूझना है, हमको अपने देश में जातिवाद से जूझना है, हमारे देश के 10 लाख आदिवासी परिवारों को जंगलों से बेदखल किया जा रहा है, उनकी संपत्ति को हड़पने के लिए हमको उससे लड़ना है, हमको अपने देश में बेरोजगारी से लड़ना है, हमको अपने देश को आगे ले जाना है, युद्ध करके हमको पीछे नहीं जाना है, हमको इतिहास से सबक लेना है कि युद्ध किसी भी देश को, किसी भी मामले को, मुद्दे को परिणाम तक नहीं ले जा पाया है, युद्ध से कोई हल नहीं हुआ है, बातचीत से ही हल हुआ है। कुछ लोग युद्ध के बाद बातचीत किए हैं, कुछ लोग युद्ध से पहले बातचीत करते हैं, तो अगर
पाकिस्तान के हुक्मरान अगर समझदारी दिखा रहे हैं वो हमारे विंग कमांडर को सुरक्षित लौटाते हैं और बातचीत का ऑप्शन खुला रखते हैं, तो हमको भी बातचीत करने के तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और ये जो पुलवामा अटैक हुआ है इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, जांच में पाकिस्तान सहयोग देने की बात कर रहा है, जांच कराने के बाद निर्णय लीजिए कि इसमें क्या करना है। फिलहाल मोदी जी से अनुरोध है, कृपया युद्ध में ढकेल करके चुनाव लड़ने की कोशिश मत कीजिए देश में। धन्यवाद।